हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में, स्वस्थ होंगे? आज हम कक्षा 2 में विषय हिंदी स्वाध्याय पुस्तिका में पढ़ाई करेंगे। हमने पेज नंबर 23 देख लिया है, उसमें केवल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण के अनुसार लिंग बदल कर लिखो, केवल इतने ही हैं। इसके हमें केवल लिंग बदलना है। चूहा तो चूहिया, बूढ़ा तो बुढ़िया, लोटा तो लोटे, ठीक है। इसके लिंग बदलना है, ठीक है। लड़की तो लड़का, तो लड़की लड़की, लड़का लड़की, चूहा चूही, ठीक है। शेर शेरनी, मोर मोरनी, इस तरीके से लिंग बदलना है। तो उदाहरण के अनुसार लिंग बदलना है। चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लोटे, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पर पीछे पेज नंबर निकालो, 24 पेज नंबर आपको निकालना है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, किन किन चीज़ों की नोक होती हैं, लिखो और किसी एक नुकीली चीज़ का चित्र बनाओ, ठीक है। तो ऐसे जो नोक हैं, ये जो नोक है किन चीज़ों की होती हैं, तो पेन की होती है, पेंसिल की होती है, काटा चम्मच की होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी नोक होती हैं, जो हमने बड़ी पाठ्य पुस्तिका में मैंने आपको समझाया भी था। तो देखो यहाँ पर उसके बारे में लिखना है, नुकीली चीज़। तो हमने पेंसिल यहाँ पर बनाई है, और पेंसिल बनाने के बाद यहाँ पे लिखा है कि पेंसिल की नोक होती है, पेन की नोक होती है, लट्टू की नोक होती है, बाण की नोक होती है, सुई की नोक होती है। तो किन किन चीज़ों की नोक होती है, तो देखो सुई, जो सुई धागा होता है उसमें जो सुई होती है उसकी जो सामने की नोक होती है एकदम नुकीली होती है, पेन की होती है, फिर बाण तीर, फिर लट्टू जो आप घुमाते हो उसकी भी नोक नुकीली होती है। तो हमने 5 चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखे हैं और एक का चित्र बनाया है पेंसिल का। तो पेंसिल की नोक होती है, पेन की नोक होती है, लट्टू की नोक होती है, बाण की नोक होती है, और सुई की नोक भी होती है। अभी देखो भाषा सज्जता, नीचे दिए गए हैं अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाकर लिखो। तो ये टेढ़े मेढ़े शब्द हैं, इसको सीधे करके हमें लिखना है, ठीक है। टेढ़े मेढ़े शब्द हैं, मिक्स हो गए हैं, इसको हमें सही लिखना है। झांसू तो सूझा, मूच सच, मूच सच, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, हम कहते सचमुच मैंने चॉकलेट नहीं खाई, है ना। कोना तो इसका सीधा हुआ नाक, नाटका तो इसका सीधा हुआ काटना, रेधी तो धीरे, ना हाब यानी बहाना सीधा किया है, ना राड डराना, कर बिलक बिलक कर, ठीक है। ये जो टेढ़े थे इसको मैंने सीधे किए हैं, ठीक है। अभी देखो ऊपर बनाए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जो हमने शब्द यहाँ पे बनाए हैं उसका हमने यहाँ पे वाक्य में प्रयोग बनाना है, यानी एक लाइन इसके बारे में हमें लिखना है, वो शब्द इसमें आना चाहिए। चलो, मुझे बिल्ली को डराने का बहाना सूझा, तो सूझा था ना यहाँ पे, इसलिए सूझा उस वर्ड लाइन में आना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, मुझे बिल्ली को डराने का बहाना सूझा। फिर देखो धीरे से, बिल्ली धीरे से घर में आई, धीरे से आया खाना। फिर देखो सचमुच खाना बहुत अच्छा था, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो सचमुच आया। फिर देखो रमेश बहाना बनाकर स्कूल से घर वापस आ गया, यानी बहाना। तो हमने बहाना शब्द को ध्यान में रखते हुए ये लाइन्स लिखी हैं, लाइन बनाई हैं। आप चाहो तो अलग भी बना सकते हो। चलो, लड़की की नाक पर चूहियाँ काट गई, तो नाक इसमें हमने शब्दों में जो प्रयोग आया है, जिसका हमें प्रयोग करना था वो था नाक। चलो, लड़की ने चूहियाँ को म्याऊं म्याऊं की आवाज़ से डराया, तो डराना, ठीक है, तो डराया। चलो, सोनम को कुत्ते ने पैरों पर काटा, तो काटा, ठीक है, काटना। तो सोनम को कुत्ते ने पैरों पर काटा, ठीक है, ओके। अभी देखो एक नंबर में, रात में बुरा सपना आते ही मैं बिलख कर रोने लगी, तो बिलख कर, ठीक है। तो उसका हमने लाइन बनाई है, वाक्य में प्रयोग बनाया है, रात में बुरा सपना आते ही मैं बिलख कर रोने लगी, ओके। अभी देखो यहाँ पर पेज नंबर 25, समान तुक वाले दो दो शब्द कोष्टक में से चुनकर लिखो, ये सारा आपको एग्जाम में आता है, समान तुक वाला हमें लिखना है। तो देखो सोई तो ई है इसमें, इसके समान तुक हमें बनाना है, तो सोई इंग्लिश में भी होता है आपको, तो सोई रोई खोई, ठीक है, तो सोई रोई खोई, यानी समान तुक इसके आने चाहिए।
नाक खाक डाक घड़ी बड़ी खड़ी, पीछे की डीडी सेम आनी चाहिए यानी खड़ी बड़ी घड़ी। इसमें से ढूंढकर वैसे तो आपको लिखना है, फिर भी आपको याद रखना है तो आप याद कर लेना। चलो रात, तो पीछे वाले देखो बात भात, समान टुक आ गया ना, रात भात बात। चलो काट काट खाट बाट, नोक टोक रोक। तो समान टुक वाले शब्द हमने देखे हैं, सोई रोई खोई, नाक खाक डाक, घड़ी बड़ी खड़ी, रात बात भात, काट खाट बाट, नोक टोक रोक। ओके, अभी देखो यहाँ पर समानार्थी शब्दों के सही जोड़ियाँ मिलाई हैं, इसमें से जोड़ियाँ मिलानी है। ये प्रश्न है, इसके आंसर इसमें दिए गए हैं, एक का एक यानी अचानक। देखो मैंने अपने आंसर लिखे हैं, ठीक है। एकाएक यानी अचानक, आपके घर में एकाएक कोई मेहमान आ जाता है, अचानक मेहमान आ जाता है। सचमुच यानी सही में टीचर मैंने लेसन किया था लेकिन मेरी कॉपी घर पे छूट गई, सचमुच मैंने लेसन किया था। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी यानि बार बार, हाँ घड़ी घड़ी यानि बार बार, हाँ। जरा जरा यानि थोड़ा सा, कोई कहते मुझे थोड़ी सी दाल चाहिए, मुझे जरा सी दाल चाहिए, इसीलिए जरा यानि थोड़ा सा, इसका अर्थ एक जैसा होता है, समान अर्थ वाले शब्द। चलो कोष्टक में से विलोम शब्द चुनकर लिखो, विलोम यानि विरुद्धार्थी, समान यानि समान, उसके अर्थ दोनों के एक जैसे होने चाहिए और विलोम यानि विरुद्ध में होने चाहिए। तो सोई, अगर सोई है तो जागी, सोते हो ना आप तो जागी, रोती है तो हंसती, खड़ी है तो बैठी, थोड़ा है तो बहुत, रात है तो दिन, सच है तो झूठ, धीरे है तो जल्दी, भला है तो बुरा, यानी विरुद्धार्थी लिखा है। कैसे लिखा है? विरुद्धार्थी, सोई जागी, रोती हंसती, खड़ी बैठी, थोड़ा बहुत, यानी थोड़ा सा दो पर बहुत नहीं देना है, रात दिन सच झूठ धीरे जल्दी भला बुरा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे हम पूरा करते हैं, इसके जो आगे वाला है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे इतना, ठीक है। तब तक के लिए हमारा ये वाला वीडियो मैंने आज आपको 24-25 ऊपर का समझाया है, आपको समझना है और आपकी किताब में लिखने का बाकी है तो लिख लेना है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे पूरा। ओके बाय।